राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, बाकी सारे कोई ना कोई जेल में, केजरीवाल जेल में। जबलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि जबलपुर के इस वक्त दलुक न्यूज़ की टीम जबलपुर के मानस भवन में है, जहां पर जेपी नड्डा आने वाले हैं कुछ ही देर में। और जो है यहां पर 1 बजे तक यहां पर जितने भी जनता आने वाली है, उनके साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता रहने वाले हैं भाजपा के, उनको चुनाव के संबंध में वो संबोधित यहाँ पर करने वाले हैं। फिर इसके बाद में जो है लगभग शाम के 5 बजे जेपी नड्डा पहुँच जाएंगे जबलपुर के शहीद स्मारक पे, जहाँ पे वो एक त्रिवेणी सम्मेलन में शामिल होंगे और वहाँ से भी जनता को जो है संबोधित करेंगे। इसके बाद में इनके 2 प्रोग्राम और हैं। शाम को 6 बजे ये जबलपुर रानीताल भाजपा के संभागीय कार्यालय में जाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद शाम को 7 बजे जेपी नड्डा, जो जबलपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डाबर डॉक्टर, जिनको जो है पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है, सम्मानित भी किया गया है, उनसे वो जाकर के मुलाकात करेंगे। और यही इनकी जो पूरी आज की जबलपुर में रूपरेखा रहने वाली है, यही पूरी कार्यप्रणाली रहने वाली जेपी नड्डा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, आदरणीय हमारे संस्कारधामी जबलपुर के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, कैबिनेट मंत्री भाई साहब का स्वागत करें। शॉल श्रीफल से स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे नगर के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी एवं ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय रानू तिवारी जी आए और आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का शॉल श्रीफल से स्वागत करें। करतल ध्वनि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हम सब करें। मेरा कार्यकर्ता साथियों से आग्रह है, कृपया व्यवस्था बनवाएं, और जो साथी बीच में खड़े हो गए हैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया भाई साहब जो लोग बीच में खड़े हैं, पीछे लोगों को दिख नहीं रहा, आप कृपया पीछे जाके स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बीडी शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की मंत्री आदरणीय श्रीमती नंदिनी मरावी जी आए और आके हमारे प्रदेश का उत्साह और उमंग अब ये साबित कर रहा है कि आगामी आने वाले समय में इस भारत के लिए, देश के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगामी आने वाले इस अभियान में, जो महाअभियान इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, और उसी के निमित्त आज हम सब इस चुनावी अभियान में भी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको आज बातचीत करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए जबलपुर पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, आज पूरे देश के अंदर इस चुनावी महाअभियान में सबसे बड़ी भूमिका मुझे ध्यान में कि जब वो भोपाल पधारे थे तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बार मिलना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते हैं, और जब मैं ये कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे। हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था, जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। 40 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, यह भी हमको था। मैं दूसरी बात आपको ये कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सभी देशों की।
की अस्त व्यस्त हो गई। सभी लोगों ने आर्थिक दृष्टि से मंदी और उसकी मार झेली है, लेकिन मैं आपको बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत एक अकेला देश है जो ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, और जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बोलता है, इंडिया इन इकोनॉमी इज ए ब्राइट स्पॉट। यानी अगर कोई उज्जवल तारा दिखता है तो वो भारत दिखता है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मॉर्गन स्टेनली बोलता है कि इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013, भारत अलग है, 2013 का भारत और आज का भारत अलग है। मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भारत की ग्रोथ 2024 में 8% से ज्यादा सुनिश्चित है। ये मूडी जरूर हो गए, उनको तो जरूर जरूरत है, लेकिन उनको इनको कुछ समझ में आता नहीं है, उनको कोई अर्थ से लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कमी रही है, जानकारियों की कमी रही है। आप प्रबुद्ध नागरिक है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रेट के बारे में ध्यान रखिएगा। रशिया का इन्फ्लेशन रेट 6.3% है, टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60% है, 60%। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 93% है, जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट 10% है, और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.6% है। ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना कि यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट कभी भी 10% से नीचे नहीं आया है, कभी नहीं आया, पूरे 10 साल में नहीं आया। ये हमको महंगाई समझा रहे हैं? अरे पढ़ लो कुछ, जान लो कुछ, दुनिया के आंकड़े देख लो कुछ। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना का ग्रोथ रेट 4.6%, चाइना जो विकसित चाइना जिसको बोलते हैं, उसका ग्रोथ रेट 4.6% है। फ्रांस, अ डेवलप्ड नेशन, जहां से हमने रफेल लिया, फ्रांस का ग्रोथ रेट है 1%। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? यही तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो घर घर तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यही तो आर्थिक दृष्टि से एक जिसको बोलते हैं रनिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सब से इस बारे में चर्चा करते हुए इन बातों को आपको बताना चाहता हूं। आज 5G सर्विसेज में इंडिया रोल आउट करने में सबसे आगे है। अगर मैं शौचालय और स्वच्छता की बात करता है, ये कोई लाल किले से बात करने की जरूरत है? ये वही कह सकता था जो इंडिया में पैदा हुए थे, जिन्होंने भारत नहीं देखा था, जिन्होंने भारत देखा था वो जानते थे कि भारत की तकलीफ क्या है। आज आपको मालूम है, आप लोगों को पता नहीं पर मैंने देखा है अपनी आंखों से। नेशनल हाईवे पर शाम को या सुबह चले जाओ, बहनों का गांव से निकल करके झुंड की झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए निकला करती थी। क्या जीवन था, क्या अमान्य जीवन था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को और उनके साथ 12 करोड़ बच्चों को इज्जत की जिंदगी देने का काम किया। तो 18,000 गांव बिना बिजली के थे। कांग्रेस को कभी शर्म नहीं आई, कभी लज्जा नहीं आई, कभी सोचा नहीं 18,000 गांव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया 1,000 दिन के अंदर कोई भी गांव बगैर बिजली के नहीं रहेगा, और 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाई। यह परिस्थिति मैं एमएलए था, यह सौभाग्य योजना की भी मैं बात करना चाहता हूं। मैं एमएलए था 1993 में, किसी एक घर को अगर बिजली देनी पड़ती थी तो हमारा जूनियर इंजीनियर पूछा करता था, साहब आपकी सिफारिश है इसलिए मैं आधी आधी तार इसको दे रहा हूं, आधी तार इसको खरीदनी पड़ेगी, और खंबा लेने के लिए गांव से लोगों को लेके आओ, खंबा कंधे पर लेकर के जाओ, जब खंबा पहुंच जाएगा तो मुझे सूचित करना, तब मैं तुमको बिजली लगाऊंगा। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है जब मैं विधायक रहा था 1993 में। आज मैं लखनऊ के गांव में गया, लखनऊ के बगल के गांव में गया, तो वहां एक मुझे सज्जन मिला लाभार्थी, जड़ मूल से उसको समाप्त करेंगे ये संकल्प लेकर के, और इंडी अलायंस
भ्रष्टाचार बचाने वाले लोगों का जमावड़ा मछली बन गया है, भ्रष्टाचार से बचने वाले लोगों का इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि आज हम किस तरीके की राजनीति में जा रहे हैं। एक तरफ विकास है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर आघात, एक तरफ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, एक तरफ ये इंडी अलायंस परिवार को बचाने के लिए लड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचने का प्रयास कर रहा है, भ्रष्टाचार के जो आघात लगा है उससे बचने का प्रयास कर रहा है। हाँ, हमको इन दोनों के बीच में चुनना है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, बाकी सारे कोई ना कोई कोई जेल में, केजरीवाल जेल में, हमारे सत्येंद्र जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आधे जेल में, कुछ बेल पे। परिवार की पार्टी उठाए, मैं आपके सामने तस्वीर रखना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में फरूख अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी,